कितना मार्क्स का पूछा जाएगा सब लिखा हुआ है, और कुछ मोटिवेशन लिखा हुआ है कि हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़े क्यों नहीं पढ़े, सब कारण इसमें लिखा हुआ मोटिवेशन के साथ। साइंस 100 मार्क्स होता है, जिसमें से 80 नंबर थियोरी का होता है, और प्रैक्टिकल कितना का होता है, 20 मार्क्स का होता है। तो पूरा हम बता चुके हैं, और इसमें दो सेशन होता है, सेशन ए और सेशन बी, कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव होता है ये हम कल ही बता चुके हैं, ये पूरा बता चुके हैं। उसके बाद उपधातु के बारे में बता चुके हैं, तो सातों उपधातु का नाम कौन बता सकते हैं, उपधातु की संख्या 7 होती है, उसके नियम कौन बता सकते हैं, बताइए तो कोई, इसको नहीं बता सकते, बताए थे ना कल, ए बॉस पट जाओ, इसी से याद रखना है। या मोबाइल नंबर एक बार रिवीजन हम करा देते हैं, देख लीजिए, ए से क्या होता है, एंटी मनी, एलमोनियम नहीं एंटी मनी, और बो से बोरॉन, सब भूल गया, और स से सिलिकॉन, सिलिकॉन, और प से पोलोनियम, कोई रिवीजन नहीं किया है, लिखा ही नहीं ना है, और ट से टेल्यूरम, और जा से जर्मेनियम, और ओ यानी आ इसको समझना आर्सेनिक, हाँ तो सात को बेटा है, सातों बेटा का फुल फॉर्म नाम याद रख लेना बस, या इसको मोबाइल नंबर से भी याद रख सकते हैं। तो पहले मोबाइल नंबर बना देते हैं, एंटी मनी का एटॉमिक नंबर कितना, एंटी मनी कल बताए थे, एंटी आंटी मतलब क्या चाची, और मनी मतलब रुपया, चाची रुपया दो, कितना रुपया दो, चंदा करो मैं कम से कम 51, क्योंकि अंकल नहीं है जो 101 देंगे या 551 देंगे, तो कम से कम चंदा कितना बनता है, 51 रुपया बनता है। बोरॉन बोलते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, सर जी एक घंटा का क्लास ले लिया, पढ़ने का मन नहीं करते, तो क्या पढ़ने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 5 मिनट का रेस्ट ले लेंगे, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 5 हो गया। सिलिकॉन, सिली मतलब क्या होता है, इस चीज देखिए, सिली मतलब क्या होता है, मूर्ख, और कान, मूर्ख कान, इससे क्या सेंटेंस बनेगा, कि मूर्ख और कान, इससे क्या सेंटेंस बनेगा, कि कोई मूर्ख व्यक्ति है वह कान में जा करके क्या यानी क्या करता है, टीन को फोड़ता है, बस मूर्ख काम है तो कोई भी काम कर सकते हैं, तो कान में क्या फोड़ेगा, टीन को ना, टीन को फोड़ता है, FORTIN, तो क्या बनेगा, फोर टीन मतलब कितना 14, इसका एटॉमिक नंबर 14 हो गया। उसके बाद है पोलोनियम, पोलोनी या कॉलोनी मिलता है ना, और कॉलोनी में अक्सर चोरी होती है, तो चोरी से 84 याद रखना, बस लॉजिक याद रखना, ऑप्शन के बाद 100% कन्फर्म है कि आपको अपने आप बन जाएगा, 4 ऑप्शन मिलता है। टेल्यूरम क्या बताए थे, टेल्यूरम तेल, तेल कैसे लगाते हैं, पांचों उंगली और दोनों हाथ, पांचों उंगली दोनों हाथ, कितना, एक हाथ से कभी नहीं लगाएंगे, तो हो गया कितना, 5 उंगली दो हाथ, 52 हो गया। जर्मेनियम, जर्म एक दवा का नाम है, टीवी सब देखते हैं तो शहर में प्रचार में कभी कभी आता है, जर्म एक दवा का नाम है, और इस दवा का प्रयोग दांत सफाई करने के लिए करते हैं, कितना दांत, 32 दांत हो गया, 32। उसके बाद आर्सेनिक, देखो इसको लॉजिक बोलते हैं, ट्रिक अलग होता है, आर्सेनिक आ सैनिक, सैनिक आ, तो सैनिक आएगा कहीं पर धांधली हो रहा है, तो सैनिक आएगा तो कैसे रहेगा, वह कभी मकान बना के नहीं रहता है, वह टेंट यानी टेंट में रहता है, तो 33 इसको याद रखना, 33 मतलब क्या 33। आप देखिए मोबाइल नंबर कैसे बनाएंगे, तो मोबाइल नंबर हमेशा 62 से ऊपर से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे पहले हम 84 बुला लेंगे, देख लीजिए 84 कहीं पे होगा, फिर 5 है, फिर 14 है, उसके बाद 32 है, 33 है, 51 है, 52 है, ये मोबाइल नंबर है, लेकिन इस पर कॉल नहीं लगेगा, आगे समझ में, कॉल लगाना भी नहीं लगेगा भी नहीं, हाँ 84, 5, 14, 32, 33, 51, 52 इतना मोबाइल नंबर याद किया, एक और मोबाइल नंबर याद कर लेना, किसके लिए, उपधातु के लिए, और इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से 1 राइट आंसर होगा, या इसमें 3 को दिया रहेगा और डी मिलेगा इनमें से सभी, तो उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपने बताया है, देख लो डेमो क्लास में कितना बताएंगे, उपधातु इसी में आंसर छुपाना है लॉजिक के साथ, उप मतलब क्या, उभाय, उसे क्या याद रखना, उभाय, उभाय मतलब क्या होता है, उभाय मतलब दोनों, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो उसे उपधातु कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मेटालॉइड कहते हैं, मेटालॉइड अंग्रेजी में। उपधातु वह धातु जिनमें क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों गुण मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, उपधातु को।